वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे टोपरा पाक। टोपरा पाक टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और आज मैं आपको मावे वाला टोपरा पाक बनाना सिखाने वाली हूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई नॉनस्टिक की या हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ले, उसमें 3/4 कप चीनी डालें। ग्राम में 150 ग्राम चीनी है ये। इसी के साथ हम डालेंगे 1/4 कप पानी, ये 50 ml पानी है। अब गैस चालू करके उसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे उबलने देंगे। इसके लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब चीनी घुल जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन टेस्ट अच्छा लगता है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। टोपरा पाक में इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार जरूर ट्राई करें ये डाल के। और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डालेंगे हम। ऑप्शनल है, अगर आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट भी रख सकते हो, लेकिन कलर से वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे जब तक कि एक तार की चाशनी बन जाए। 5 से 6 मिनट जितना समय लगता है चाशनी बनने में। तो इसमें से एक ड्रॉप हम एक डिश में लेके उसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और इस टाइम पे गैस आप स्लो कर दे। शुगर सिरप जब ठंडी हो जाए तब इस तरह से आप इसे चेक करें। एक तार इस तरह का बनना चाहिए। अगर आप मावा नहीं डालते तो 1.5 तार की शुगर सिरप बनानी है आपको। अभी हम 1 तार की शुगर सिरप बनाएंगे। 200 ग्राम यानी कि 1.5 कप हमें इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना है, सूखा नारियल। ये किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। तो 1/2 कप मैं और ऐड करूंगी। टोटल 200 ग्राम मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और गैस लो रखना है जब इसे मिक्स कर रहे हो। कोकोनट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद 200 ग्राम हम फीका मावा इसमें ऐड करेंगे, जिसे खोया भी बोलते हैं, जिसे मैंने कद्दूकस किया है। अगर आप मावा फ्रीजर में रखते हो तो उसे यूज करने से पहले 1 घंटा पहले आप बाहर निकाल लें और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आप इसे हाथ से मैश करके या फिर कद्दूकस करके इसमें डालें। और अगर मीठा मावा लेते हैं तो चीनी आप स्किप कर सकते हो या फिर थोड़ी कम कर सकते हो। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी। इससे स्मेल भी बहुत ही अच्छी आएगी और शाइनिंग भी आ जाती है। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें से थोड़ा मिश्रण हम ठंडा होने के लिए रखेंगे कि हमारी शुगर सिरप परफेक्ट हुई है कि नहीं, वो इस तरह से भी चेक कर सकते हो। इसमें से आप लड्डू बना ले और परफेक्ट वो बाइंड होना चाहिए। तो आप चाहो तो इस तरह से छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो। और जब आप देखोगे तो ये पूरा मिश्रण इस तरह से कढ़ाई में पूरा एक साथ घूमने लगेगा। तो 15 से 20 मिनट जितना समय लगा है मुझे टोटल इसे बनाने में। गैस बंद कर दिया है। एक बर्तन में हम मोल्ड में या बर्तन में थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। टोपरा पाक का मिश्रण इसमें ले लेंगे, लेवल में कर दे इसे। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब टोपरा पाक रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद मोल्ड में पहले इसके किनारे अलग करें। जो अगर आपकी शुगर सिरप परफेक्ट बनी होगी तो इसके पीसेस बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इसे अनमोल्ड कर दे तो थाली में इसे उल्टा इस तरह से कर देंगे हम। आप चाहो तो इसे इस तरह से प्लेन भी रख सकते हो। मैं अभी इसके ऊपर चांदी का जो वर्क आता है वो लगाऊंगी। वर्क प्योर वेज होता है लेकिन कई लोग नहीं खाते, तो अगर आप नहीं खाते तो उसे स्किप कर दे। इसे हाथ ना लगाए, इस तरह से ही उसे इसके ऊपर आपको लगाना है। अब इसके पीसेस करेंगे तो छोटे बड़े जितने भी साइज के आपको पीसेस करने हो कर सकते हो। और अभी जो मेजरमेंट लिया उससे ग्राम में 500 से 600 ग्राम जितना टोपरा पाक बनकर तैयार हुआ है। अब ये टोपरा पाक सर्विंग के लिए तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे अगर आप बाहर रखते हैं तो बाहर 2 दिन तक, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो 15 से 20 दिन तक ये अच्छा रहता है। तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।